हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोहे से बनने वाले बहुत ही ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी। और इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और इसके ऊपर छलनी रखेंगे। अब इसके अंदर हम एक कप पोहा डालेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि पोहे के अंदर जो भी बुरादा है वो निकल जाए। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसके अंदर पोहे को डाल देंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से बारीक पाउडर बनने तक पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पोहे को बिल्कुल आटे की तरह बारीक पीस लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर पिसा हुआ पोहा डाल देंगे। अब इसके अंदर हम 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट और 2 उबले हुए आलूओं को अच्छे से घिसकर इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम बारीक ताजा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसका अच्छे से आटा लगाना शुरू करेंगे। दोस्तों, शुरुआत में इसका आटा लगाते हुए हमारे को इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं डालना है और इसको अच्छे से आलू के साथ ही अच्छे से मैश करते चले जाना है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते चले जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगाना शुरू करेंगे। दोस्तों, क्योंकि पोहे का आटा भी पानी सोखेगा, इसलिए यहाँ पे हमारे को आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। दोस्तों, आटा लगभग लग चुका है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल का डालेंगे और इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। दोस्तों, आटा यहाँ पे अच्छे से लग चुका है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा पोहा अच्छे से फूल जाए। दोस्तों, आटे को रेस्ट करने के लिए रखे हुए हमारे को 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे की थोड़ी सी लोई लेंगे और इसका पेड़ा बनाना शुरू करेंगे। अब हम इस आटे की लोई पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और इसको एक पतली शीट में बेलना शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसी स्नैक्स की और भी टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे पतली शीट तैयार हो चुकी है। अब हम चाकू से इसके चारों कोनों को चकोर शेप में काट लेंगे। दोस्तों, आप चाहें तो इसको शेप कटर की सहायता से भी इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगे। चारों तरफ से काटने के बाद अब इसका हम एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल देंगे और इसको बीच में से चकोर शेप में काट लेंगे। अब इसको हम बीच में से भी लंबी शेप में काट के इसके छोटे छोटे चकोर पीसेस बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी यहाँ पे शीट बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये चारों तरफ से कितनी ज्यादा पतली है। ये जितने ज्यादा पतले बनेंगे उतने ही हमारे स्नैक्स करारे बनेंगे। अब हम पैन के अंदर तेल गरम करेंगे और इसके अंदर एक एक करके हम पोहे के स्नैक्स को डालते चले जाएंगे और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से तल लेंगे। दोस्तों, हमारे को यहाँ पे स्नैक्स को थोड़ी देर तेल में डालने के बाद इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है और इसकी एक साइड को हल्का सा सिक देना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। एक साइड से थोड़ा सा सिक जाने के बाद हम इसको धीरे धीरे पलटना शुरू करेंगे और इसकी दूसरी साइड को भी अच्छे से तल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे स्नैक्स तलते जा रहे हैं, इनका कलर कितना ज्यादा बढ़िया होता जा रहा है और देखने में भी कितनी ज्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे स्नैक्स अच्छे से तल चुके हैं। अब इसको हम पैन में से निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे पीसेस को तल लेंगे। ये लीजिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे थाली पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। आइए आपको एक पीस तोड़ के दिखाते हैं ये कितना ज्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। दोस्तों, आप इसको ग्रीन चटनी के साथ या फिर टोमेटो सॉस के साथ खाएं, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक ले बाय बाय।